में मुझे आपको 15 लाख मिलेगा, बाकी दोनों आपको आए हैं तंदूड़ी करके आपको आ गए, तेरे को आए 15 लाख नहीं। मेरे सारे पार्टी के लोग मेरे बहुत क्लोज थे, ऐसा रिलेशन था मेरा उनका सबका कि मेरे दोस्त और मेरे समझो मेरे पार्टी के खिलाफ भी बात किए होंगे तो मैं उनके खिलाफ ऐसे बात करता था, लेकिन बाकी के ये जो है हम लोग साथ में रहते थे, लेकिन अपनी अपनी पार्टी का हम लोग उसमें प्रिंसिपल रहते थे सर। इसलिए मैं कहूँगा कि ये 20 साल में लोकसभा में था, लोग कैसे कैसे हैं मैंने पूरा देखा। अभी लोकसभा के बारे में अभी बताए जा रहे हैं कि अभी देखिए ना, अभी वहाँ भी सांसद निधि नहीं है, सांसदों को जाना आना TADA मिलता था, उसमें भी TA भी नहीं मिलता भी, ऐसा बहुत से कंट्रोल किया है मोदी जी ने। इसका मतलब क्या कि सांसद काम नहीं कर सकता। अभी अपने यहाँ के जो गलती से चुन के आए हुए जो MP है उनको पूछिए कि हमारे यहाँ रास्ता कर दो, हमारे यहाँ ये कर दो, तो बोली मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या करूँ। और इसके लिए ये जो हो रहा है, मोदी जी ने कोरोना के कारण से सबके सांसद निधि बाकी सबके सब पगार कम कर दिए, करूँगा करूँ, लेकिन एक बात बताऊँ, जो पैसा उनको सभी देश भर से विशेष रूप से महाराष्ट्र से पैसा गया है प्रधानमंत्री कोविड निधि के लिए, वो किधर है? तो अब जो रुपए आए लेकिन उन्होंने कुछ महाराष्ट्र के लिए पैसा भेजा नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में अंबानी है, अडानी है, सब लोगों ने करोड़ों रुपए दे दिए, तो गए कहाँ फिर? अच्छा, उसका कोई सीए के पास जाके उसका ये भी नहीं, ऑडिट नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, तो ये गए कहाँ पैसे? वो उन्होंने सब ये अभी कोरोना जो बढ़ रहा है तो अपने घाटी में कम से कम वेंटिलेटर 100 वेंटिलेटर दे देना, तो वेंटिलेटर्स के बिना वो लोग अपने इधर उधर घूमते बेचारे कितने लोग हैं अपने यहाँ। तो ये जो मतलब 1250 लोग अपने पूरे ज़िले में चले गए बेचारे, तो ये जो नहीं जाते थे ना, अगर वो केंद्र सरकार अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट अगर देता था, वो जो पैसा आया उसमें से देता था, नहीं केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा इसमें जवाबदार है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट पूरा काम कर रहा है। माननीय उद्धव जी ठाकरे रात को 3-3 बजे तक सबका रिपोर्ट लेते थे, उनको बोलते थे, गाँव के लोगों को बोलते थे, डायरेक्टली बोलते थे, इसलिए मैं कहूँगा कि वो जो उनके बारे में सभी नागरिक, फिर मुस्लिम समाज के हो या हिंदू समाज के हो, दलित समाज के हो, कोई समाज के हो, वो उनके बारे में खुश हैं, क्योंकि वो ज़्यादा राजनीति नहीं करते, सीधा स्मूथली साइलेंटली काम कर रहे हैं, और उनका काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, ऐसे लोग बोलते हैं, और इसके लिए उनकी उनकी मान्यता, उनके ऊपर प्रेम ज़्यादा बढ़ रहा लोगों का। मैंने तो मैं वो कमेटी में था, मैंने हमारे चेयरमैन कमेटी के चेयरमैन धर्मेंद्र प्रधान जो मंत्री है वो रहते थे, तो उनको मैंने बोला कि क्रूड ऑयल का कम इतना पैसा कम हो गया क्रूड ऑयल का, तो फिर इसका रेट कम होना चाहिए ना पेट्रोल का, और इसका क्यों नहीं हो रहा हमारा? मैंने बहुत जोर जोर से बोलते गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, बहलाया और बात नहीं किया। आज भी मैं कहूँ कि उसमें से बहुत सा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सरकार बदलने दो, भगवान की तरह से सरकार अगर बदल गया ना, दूसरा सरकार आ गया ना, तो इनको सबको जेल में जाना पड़ेगा सर। इतने इतने इतनी चोरियाँ उसमें हुई हुई है, सब अधिकारी से लेके तो उसमें धर्मेंद्र प्रधान से लेके तो बाकी के सब जितना उसमें जिम्मेदार है। पता था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ नहीं सकती, अगर ये इसमें कोई अच्छे तज्ञ होंगे तो उनसे पूछिए कि क्या बात है करके। मैं आपको बताता कि क्रूड ऑयल तो इधर कम होते जा रहा था, फिर ये क्या को बढ़ाया, और इसके लिए अभी 100 रुपये तक पेट्रोल जा रहा है। भाई हमारे जैसे तो अभी हमको तो सब जगह घूमना ही पड़ता, हम लोग भी विचार करते कहाँ जाना है, तो जाने का तो फिर मोटरसाइकिल पे भी ट्रिपल सीट क्यों जाते लोग? मैंने एक दिन हका काय को ट्रिपल सीट जा रहे तुम, मास्क भी नहीं लगा रहे। बोले साहब अगर हम 2 मोटरसाइकिल लेंगे तो पेट्रोल भाग कितना बढ़ रहा है, इधर ट्रिपल सीट के 4 सीट में जाना चाहिए बोले अभी, ऐसे में उल्टा उत्तर दिया उन्होंने। और ये जो है ये तो सरकार, मैं आपको बोलता हूँ केंद्र सरकार बहुत किसी का ख्याल नहीं कर रहे, और फिर आ जाके वो देवेंद्र जी हमारे मित्र जो पहले वाले थे वो सिर्फ उद्धव जी के बारे में बोलते, और उनके जो 4-5 है ना
आशीष चिरारे वो एक शक्ति कपूर नाम का आदमी है, मतलब कौन है शक्ति कपूर मालूम, वो ये अपना किरण सोमैया शक्ति कपूर टाइप बोलता हूँ बातें करता वो है, उसको तो ओपनली बोला था किरण, मतलब लोकसभा में बोला था मैं शक्ति कपूर है करके, और उसके बाद राम कदम है, फिर उसके बाद दरेकर है, ये सारे लोग जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, टीका टिप्पणी करके तुम देखो ना, तुम लोगों की भावना देखो ना कितना है। आज किसानों के कारण से आज पंजाब में गया ना भोसा उनका, देखिए किसान किसानों के कारण से। मैं आपको एक उदाहरण बताऊँगा, चंद्रबाबू नायडू ने बहुत अच्छा काम किया था। मैं हैदराबाद में पहले जाता था तो हैदराबाद बिल्कुल कैसा भी था, अपने हैदराबाद बिल्कुल अपना रोशन गेट पैठन गेट ऐसे ढंग ऐसे ढंग का था, लेकिन अभी उसके बाद में देखा ना उन्होंने इतना डेवलप किया, इतना डेवलप किया, हाईटेक सिटी कराया उसने। मैं उस समय मैं वहाँ का पूरे मैं 28 जिले घुमाया वहाँ हैदराबाद में, लेकिन मैं आंध्र प्रदेश में क्योंकि मैं वहाँ का संपर्क प्रमुख था। अब ये होने के बाद में आज की परिस्थिति इतना डेवलप किया, इतना डेवलप किया, लेकिन 3,500 किसानों ने आत्महत्या किया उनके पीरियड में, उधर उनका ख्याल नहीं गया। 3,500 किसानों ने आत्महत्या करने के बाद में देखो उनका सरकार ही नहीं आया, केंद्र सरकार के खिलाफ में आपको उतरना पड़ेगा। और मैं ये चाहूँगा कि हमारी महाविकास आघाड़ी और इसमें मैक्सिमम शिवसेना का बहुत बड़ा पार्ट है ये इस संभाजीनगर शहर में, तो लोग तो आज भी जो बोलते हैं ना, मुझे कई लोग बोलते हैं, अभी मैं कल भी शादी में गया था तो वहाँ भी बोले कि बोले निकाह में गया था, मैं वहाँ भी लोग बोल रहे हैं सब खेल सब आप ही हमारे एमपी हैं, बाकी दूसरे हम कोई मानते नहीं, क्योंकि ये दिन तो काम नहीं करना आता, वो दूसरे जो अभी नए हो गए वो उसको समझ में नहीं आता राज्यसभा के, तो बोले ये सब केंद्र सरकार में क्या चला, आप रहते तो आप कम से कम बिल्कुल हंगामा करते कुछ करते, लेकिन अभी मैं कहूँगा कि ये सब पूरा ना ये चल रहा है ना केंद्र सरकार के कारण से चल रहा है, उनकी बड़ी पॉलिसी अलग है, उनकी पॉलिसी ऐसी है मैं बताऊँगा। अभी कभी भी चुनाव ले सकते हैं लोकसभा विधानसभा का, और वहाँ जाके फिर उनको फिर वापस ये करना है, क्योंकि अभी क्या हुआ मैं बताऊँगा, ज़्यादा देर ये नहीं लगाएंगे चुनाव के लिए, क्योंकि अभी जैसे ही किसानों का आंदोलन रोज बढ़ रहा है, किसान उनके खिलाफ जा रहे हैं, कोई कोई नागरिक भी खिलाफ जा रहे हैं, इसलिए और ज़्यादा अगर 5 साल वेट करके बैठेंगे, मतलब 3 साल और वेट करके बैठेंगे तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो उसके पहले ही चुनाव। आपको 15 लाख मिलेगा, मेरे तो छोड़ दो, बाकी दोनों आपको आए नहीं, तंदूड़ी करके आपको आए, तेरे को आए 15 लाख? नहीं, मैं मतलब ये सब झूठे वादे वो कर करके अभी मोदी जी ने बड़ी दाढ़ी रखी, दाढ़ी इसलिए रखी कि देखो ये जब तक ख़त्म नहीं होता जब तक मैं दाढ़ी नहीं करूँगा, ऐसा कुछ भी लोगों को एक है। गुलाम नबी आज़ाद के सी ऑफ के लिए उस दिन निरोध समारोह में जान बुझ के थोड़े आँख में पानी आके बोले, ये उनके स्टाइल है क्योंकि लोग, लेकिन उनमें उनके आपस में बहुत झगड़े हैं, अलग है बहुत झगड़े हैं। अभी गडकरी साहब जो है मेरे मित्र है, हम दोनों मंत्री थे महाराष्ट्र में, जब मैंने जालना रोड और भीड़ बाईपास का 850 करोड़ का प्रपोजल था और पूरे जिले में 17,000 करोड़ के काम के भूमि पूजन उन्होंने वहाँ किया था चिकलधारा के पास, आज भी वहाँ की शिलान्यास पार्टी जो है तो है एकदम कट कर दिया, क्योंकि ऐसी हवा हो गई थी कि अभी अगले पीएम जो है तो यही रहेंगे अपने गडकरी जी, तो उसने देखा कि मेरे खुर्ची खींचने के लिए अभी से तैयार हो रहे हैं, तो ठीक है उसने उनके सब